दौसा जिले में लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए यूनानी चिकित्सा विभाग की ओर से निशुल्क यूनानी जोशांदा का वितरण किया गया। स्थानीय विधायक मुरालीलाल मीणा की मौजूदगी में ये कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर राहगीरों को जोशांदा का वितरण किया गया। हमारे सारे चिकित्सक चाहे यूनानी हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे अपने आयुर्वेदिक हो, सभी लगे हुए हैं और यूनानी चिकित्सकों के द्वारा भी ये काढ़ा तैयार किया गया है हमारे यहाँ पर। तो इससे क्या आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मैं समझता हूँ तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो निश्चित कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी हो उसको उसका कंट्रोल होता है। इसको लेकर के इन्होंने कैंप के माध्यम से हमारे पूरे दौसा शहर के बीच में अभियान चलाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि निश्चित ही लोगों को इसका फायदा होगा और हम सबको मिल करके मेरी आपके माध्यम से लोगों से अपील भी है और जो गवर्नमेंट के दिशा निर्देश हैं उनकी सब पालना करें और कोरोना से घबरा नहीं, इससे डरे नहीं, मजबूती के साथ में खड़े रहें। हमारा उद्देश्य है कि लोगों के अंदर जो एक खौफ का माहौल है कोरोना को लेके, उससे लोग उससे भय के माहौल से निकले, लेकिन जो सरकार की जो गाइडलाइन जारी की है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और मास्क लगाएं, हाथ को बार बार धोएं और उसके अलावा जो प्रॉपर डाइट है उसका इस्तेमाल करें, सही तौर से नींद लें, जो दिशा निर्देश है यूनानी चिकित्सा विभाग के जो जो डायरेक्शन से और जो उसके सिद्धांत है, अगर उस पे लोग उसके हिसाब से जीवन जिएंगे तो कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकेंगे।